हेलो दोस्तों, वेलकम टू मामू मामा। और अभी जो है हमारे पास कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है बेजी पांडा और मैम मंचला फूडी। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू द मोमो मामा। थैंक यू मैम। और दोस्तों आज हम आए हैं मैम के जो मोमोज हैं मोमो मामा, वहाँ पे भाई काफ़ी ट्रेडिशनल और टेस्टी मोमोज मिलते हैं। तो इनका आउटलेट है वो है छतरपुर में, तो आज हम छतरपुर तुम्हारे आउटलेट में आए हुए हैं, इनके जो मोमोज हैं वो ट्राई करने। हाँ जी, दोस्तों आप लोग के लिए अभी वेज स्टीम लगाते हैं एंड ट्राई कीजिए हमारे मोमो। दोस्तों वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहे, हमारी मैम के साथ काफ़ी मजा आने वाला है। तो बहुत सारी बातें होने वाली है मैम के साथ, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप करें। ओके चलिए दोस्तों चलते हैं। आइए लेट मी शो यू गाइस आवर आउटलेट, जो कि ये जो आउटलेट है हम लोग ने खुद ही, मतलब मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। यू नो जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ, मैंने बड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट किया है, तो दिस इज माई स्मॉल आउटलेट। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा छोटा सा सिटिंग बना हुआ है एंड यहाँ पर जो है पीछे मेरा छोटा सा मंदिर है, जो कि मैं लाइक जब भी आती हूँ पूजा करती हूँ। सो दिस इज आवर आउटलेट, ये है मेरा छोटा सा काउंटर एंड यहाँ पर हमारा टीम लोग, जो भाई लोग मोमो बनाते हैं एंड यहाँ पर कभी कभी मैं भी काउंटर में बैठ के मोमो के लिए हेल्प करती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो भाई लोग भी बनाते हैं लेकिन मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना अब क्लाइंट को कस्टमर को संभालो, बिलिंग करो, सब कुछ करो। तो हाँ, बाकी मतलब जितना मुझसे हो सकता है आई ट्राई टू हेल्प देम एंड दिस इज आवर आउटलेट। और बाकी एक और खास इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि मेरा मतलब यू नो इस पार्ट को देखिए मैं ज़रूर मतलब कहते ना हल्का इमोशनल भी होती हूँ एंड इस पार्ट को देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ, जो कि ये है। ये मेरा जब स्टार्टिंग में मैंने हम लोग ने खोला था मोमो मामा, सो दिस इज ऑल यू नो क्लाइंट रिव्यू, क्लाइंट लोगों का सारे रिव्यू है ये हमारा, और क्लाइंट का सारे ये सारे रिव्यू है। बट इसमें भी अगेन मेरे क्रिएटिव माइंड ने मैंने क्या सोचा, MOMO मोमो और मामा करना था, मामा के लिए अभी थोड़ा सा बचे हुए और नीचे लगाएंगे ना तो थोड़ा फ्लोर में चला जाएगा, वो गंदा लगेगा, तो इसीलिए जो है ये इस टाइप का हम लोगों ने डेली का हमारा यही रूटीन रहता है, मोमो बनाना और यहाँ पर क्लाइंट लोगों को ताज़ा ताज़ा मोमो सर्व करना। और यहाँ पर हमारा है तो थैंक यू सो मच मोमो मामा के साथ, मैं हूँ मंचला फूडी और हमारे साथ है वेजी पांडा। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये है मेरा छोटा सा आउटलेट, जो कि जैसे मोमो मामा का जर्नी जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है गाइस एंड इस जगह के साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरी जुड़ा हुआ है, बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैंने खोला था ना, वी यूज़ टू लाइक कम्प्लीटली यहाँ पर बैठ के खुद मोमो बना के मतलब लोगों को सर्व करते थे। तो मेरा मालवीय नगर में भी ऑफकोर्स मेरा अभी हम लोग का मतलब न्यू बेबी है, बट दिस इज मतलब ये जो जगह है ना, इस जगह के साथ है मुझे बहुत अटैचमेंट है गाइस। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर सीटिंग भी अवेलेबल है एंड मेन्यू के अगर हम लोग बात करें तो मेन्यू में हमारे पास जैसे ये आप देख सकते हो फोर वेरिएंट सेवन वैरायटीज हमारे पास है, लाइक स्टीम जो है आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी, फ्राइड आपको मिल जाएंगे नॉर्मली, उसके अलावा हमारे पास कोथे मोमो है, झोल मोमो है, चिली सेसमी टोस्ट एंड क्रम्बल एंड दीज आर दी प्राइसेस, मतलब जो कि इतना ज़्यादा प्राइसी भी नहीं रखा है हमने, यू नो बिकॉज हम लोग यहाँ पर सीटिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो यस एंड सिंस 1992 यहाँ पर है, जो कि हमारा गैंगटॉक में 32 ईयर्स पुराना है एंड ऊपर का जो छतरपुर का नंबर है, आप लोग मतलब होम डिलीवरी अभी पॉसिबल नहीं है कुछ टाइम के लिए, बाकी यस आप लोग कॉन्टैक्ट करके कुछ अगर पूछना है तो यू गैस कैन कॉन्टैक्ट हियर, छतरपुर का भी नंबर है, मालवीय नगर पर हमारा नंबर है। एंड उसके अलावा हमारे पास मोमो के साथ हम लोग कुछ ब्रेवरेजेस भी हैं जो यहाँ पर देते हैं, विच इज़ लाइक कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी और योर लेमन आइस टी, पीच आइस टी एंड वाटरमेलन आइस टी हम लोग देते हैं यहाँ पर सर्व करते हैं। और ये है मेरा प्यारा सा लाफिंग बुद्धा जी, जो कि मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया ये शॉप खोलते हुए मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया ये। तो दोस्तों अभी हमारा वेज मोमो जो है बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्रेश, अभी जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, आप दोनों ने देखा फ्रेश बन रहे थे यहाँ पर, उसका हमने वीडियो क्लिप ले नहीं पाया, थोड़ा रश था उस टाइम, तो इसीलिए अभी हम लोग ने ये रेडी किया है इनके लिए मतलब जैसे वेज स्टीम मोमो, और ये हमारा ऑथेंटिक अचार है जो कि बच्चों लोगों का भी ध्यान रखते हुए बनाया, जो कि बिल्कुल ही लेस स्पाइसी रहेगा हिमालयन हर्ब्स वगैरह तिल वगैरह के साथ, और बाकी इसके साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये लाल वाली अचार जो कि आप सब लोगों की फेवरेट है। सो लगाते हैं यहाँ पर टेबल में आप लोग के लिए एंड आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एंड और ज़रूर आप ऑनेस्ट जो रिव्यू है
आपका जो रिव्यू है बिल्कुल ऑनेस्ट आप दे दीजिए कि आपको कैसा लगा, प्लीज ट्राई कीजिए। तो यो मोमो इज रेडी। सो दोस्तों अभी हमारा मोमो जो है बिल्कुल हो चुके हैं बन के रेडी एंड ट्राई करने के लिए थोड़ा सा बेताब आप लोग को देख रहे हैं, वो एक्साइटमेंट मेरे को नजर आ रही है इनके अंदर। सो आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे कि हम लोग ने ये रखा है हमारा लाल वाला अचार जो कि आप सब लोगों की फेवरेट है, दिल्ली में सब लोगों की पसंदीदा अचार। एंड ये जो है दूसरा वाला हमारे पास सेसमी का अचार है गाइस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि बच्चा लोगों का भी ध्यान रखते हुए जो है हम लोगों ने ये अचार रखा है। सो बेसिकली ये जो है काफ़ी कम स्पाइसी रहता है और इट विल बी वेरी फ्लेवरफुल। मतलब आप लोगों को ये बहुत ही रेयर मतलब दिल्ली में खाने को मिलेगा, जहाँ पर कंप्लीट ऑथेंटिक मोमो मिलता है, अचार मिलता है वहाँ पर, तो डेफिनेटली मे बी वहाँ मिलने का चांसेस है। अदरवाइज आप लोगों को ये जो डिप है ये आप लोगों को सिर्फ मोमो मामा में ही मिलते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास हो गया जी बेस्ट, तो आप दोनों ट्राई कीजिए और जो आप लोगों को जेन्युइन लगा आप लोग प्लीज वही रिव्यू दे दीजिए। देखो मैम, देखने में तो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं मोमोज और आई थिंक टेस्ट भी इसका बेहतर होगा। और देखो भाई, जो शेप और साइज है, पहली बात तो जो इसमें डिजाइन बनाए गए हैं ना वो भाई बेहतरीन है, बेहतरीन बनाए गए। सारे हैंडमेड है, हमारा मशीन मेड नहीं होता जी, ये सारे के सारे हमारा हाथ से ही बनाते हैं। एक एक मोमो को बनाने के लिए हमें टाइम लगता है, टाइम दे के हाथ से ही बेलना है, हाथ से ही बनाते हैं। कीमा भी एवरी डे फ्रेश बनता है यहाँ पर। सो ये जो है हम लोग का मतलब जो मोमो बनाने का प्रोसेस जो है ये हम लोग मतलब मेरे इंस्टा में जैसे फूड पेज है जो कि हमारा मोमो मामा का पेज है, तो वहाँ पर मतलब किस तरीके से हम लोग बनाते हैं ये सारे प्रोसेस जो है वहाँ पर हम लोग, मैं अपलोड करती हूँ, मैं हैंडल करती हूँ वो पेज। तो आप लोग _momomama में अगर आप लोग सर्च करेंगे इंस्टा में तो यू गाइस विल गेट टू सी लाइक यू नो हाउ वी प्रिपेयर द मोमो और घर में किस तरीके से जो है बनाने का इसका प्रोसेस रहता है, सब कुछ मैं अपडेट वहाँ पर करते रहती हूँ। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो भाई जरूर फॉलो कर लेना मैम को, मोमो मामा। और मैम ने जो चटनी की तारीफ बहुत करी है जो बच्चे भी खा सकते हैं, अचार वाली चटनी है मैम की स्पेशल। देखो थोड़ा सा हमने अचार के साथ डिप किया है भाई, मोमोज काफी सॉफ्ट है, ये मतलब हाथ से टच करने में भी टूट रहे हैं, सॉफ्टनेस बरकरार है। और ये अपनी ये रेड वाली चटनी है। हाँ जी, और जो हमारी लेयरिंग है वो बिल्कुल ही थिन रहता है जी, बहुत ही थिन। मोमोज काफी ना मतलब सॉफ्ट है, ये एक मोमोज होते हैं जो दांतों से चबाने पड़ते हैं, ये हमारे मुंह में डालते घुल गए, देखो मुंह एकदम क्लियर, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मैम आपकी जो दोनों चटनी है ना, हाँ जी, एक नंबर ही, आप घर में तैयार करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारे घर हैंडमेड है ये भी। हाँ जी कंप्लीट हैंडमेड, कंप्लीट। मैं तो आपको बोलूंगा भाई लोगों, अगर आप भी छतरपुर के आसपास से हो ना या छतरपुर आ रहे हो दिल्ली में ना, एक बार मैम के यहाँ पे जरूर आना, मोमोज मामा पे बहुत ही अच्छे मोमोज मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे। बस मैं आप लोगों की ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए। एंड ये जो हमारे पास आप दोनों जो आए हैं, दे आर वेरी हम्बल पीपल, आई रियली लाइक देयर नेचर। सो डू फॉलो देम, डू सब्सक्राइब टू देयर चैनल एंड जितना हो सकता है प्यार शेयर करो, प्यार बांटो। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि हेल्दी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए एंड अपने आसपास साफ सफाई बने रहिए, बना के रखिए जितने भी लोग देख रहे हैं। एंड बस और मोमो खाते रहो लाइफ में। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा जो अभी जो हम लोग का मतलब मोमो मामा का जैसे कि मेन्यू है, इसमें हम लोग आगे फ्यूचर में भी और भी ज़्यादा मतलब वैरायटीज़ जो है हम लोग बढ़ाने वाले हैं, काफ़ी सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगे। सो या आप लोग डेफिनेटली आइए एंड ट्राई कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, देयर वीडियो है ना। और बस बहुत सारा प्यार बांटिए इनको और मेरे पेज को भी हो सके तो फॉलो कर लीजिए अगर आप लोग इंस्टाग्राम भाई, बिल्कुल जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लाइक जरूर बनता है। थैंक यू सो मच गाइस। सो दोस्तों आप सबको जितना शो करना था छोटा सा आउटलेट मैंने आप लोगों को छोटा सा टूर दिखा दिया है। एंड दूसरी चीज़ हमारा जो यहाँ का लोकेशन है, ये लोकेशन है आप मोमो मामा छतरपुर आप टाइप करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हो। एंड जो यहाँ का लैंडमार्क है ये वृंदा प्ले स्कूल हमारे यहाँ पास में पड़ता है, उसके ऑपोजिट में मतलब SS प्लाजा बिल्डिंग है, उसके नीचे बेसमेंट में शॉप नंबर 3 हमारा लोकेशन है। वरना बहुत ईजी है, सबसे ईजी चीज़ यही कर लो कि आजकल गूगल मैप हर कोई यूज़ करते हैं राइट, तो आप गूगल मैप पे मोमो मामा छतरपुर आप टाइप करेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचा देंगे। और या आइए आप लोग एंड ट्राई कीजिए हमारा मोमो, आई होप डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो भी है हम लोग
सब कुछ फ्रेश सर्व करते हैं। हमारा ओपनिंग टाइम है अभी कुछ टाइम के लिए जो है हम लोग का, मतलब इवनिंग में 5 बजे हम लोग खोलते हैं, रात को 10 बजे हमारी क्लोजिंग टाइम होती है। एंड उसके अलावा अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं, जैसे कभी बारिश का भी मौसम हो रहा है, थोड़ा बारिश आ रहा है, तो फिर यस वी आर ऑन जोमेटो एंड स्विगी एज वेल। सो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।